हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैं आया हूँ आनंद भवन, तो ये आनंद भवन का गेट है। मैं आनंद भवन का आज एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो वहाँ से आप अंदर घुसेंगे उस छोटे वाले से गेट से, यहाँ पर आएंगे, यहाँ टिकट मिलता है। यहाँ आप टिकट लेंगे, एक 30 रुपये टिकट का वो है। फिर यहाँ से एंट्री लेंगे। आप ये देखिए, आज बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। पास से दिखा सकता हूँ, यहाँ पर जो है उनकी पूरी यहाँ पर हिस्ट्री। 1927 में इसका निर्माण किया गया था, देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है पूरा पत्थर में, शिलालेख करके दिया गया। और यहाँ से होती है शुरुआत रास्ते की। यहाँ से आप आगे चलेंगे, थोड़ा दूर का रास्ता है, तो मैं रास्ता कवर कर लेता हूँ। तो फिर मैं आगे चल के वहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ कि किस टाइप से म्यूजियम है, संग्रहालय है। तो इस ब्लॉग बहुत बढ़िया होने वाला है, काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। तो जो यहाँ पर घूमने आ सकता है तो आएगा अपना। मैं यहाँ पर लोकेशन डाल दूँगा इस वीडियो में। लोकेशन से आप यहाँ के पूरा टूर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। ये जो संग्रहालय है, ये नेहरू जी का पूरी यहाँ फैमिली रहती थी, उन्हीं का ये पूरा बनाया गया है। यहीं पे उनका पूरा मतलब सब फैमिली का यहाँ पे उनका स्मृति रखा गया है। मतलब रहना, खाना पीना जो यूज करते थे अपना, यहाँ पे रखा गया उनका। मैं यहाँ से चल रहा हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ इस तरह का। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, देखिए यहाँ से पास से दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। इधर से चित्र लेना है, यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ से रास्ता शुरू होता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ से देखिए, ये पहला गेट है, मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष है ये। यहाँ पे नेहरू जी जो होते थे, यहाँ पे अध्ययन करते थे, ग्रुप स्टडी करते थे। उनका लाइब्रेरी है ना यहाँ पे, मतलब उनका बेडरूम है यहाँ पे। यहाँ से ये कुछ इस तरह है, यहाँ पे उनका चेयर है। ये बेडरूम है जो कि यहाँ पे अपना आराम करते थे, वहाँ पर पढ़ने का थोड़ा से टाइम, थोड़े टाइम के लिए। तो फिर यहाँ से भी एग्जिट में होता हूँ। आज मैं वन बाई वन दिखाता जाऊँगा आप लोगों को। और जो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है कपड़े रखे गए हैं। यहाँ पर अपना था फिरोज़ नदी जी का यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ था, यहाँ उनकी शादी हुई थी। और फिर मैं आगे चलता हूँ। और ये जो है, यहाँ मतलब उनकी पत्नी रहती थी स्वरूप रानी। ये देखिए उनका बेडरूम है, देखने को मिलेगा। यहाँ पर उनका टेबल है, शीशा है उधर, अंदर बक्सा वक्सा पूरा रखा गया, वो देखिए आप देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो है उनका किचन है, जो कि यहाँ पे खाना पीना स्टोर करते थे, भोजन थाली हर एक चीज़ हो रहता था। यहाँ पर उनका स्टोर होता था, यहाँ पे रखा जाता था बर्तन वर्तन। और फिर मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ, कोशिश करूँगा पूरा कि मैं एक्सप्लोर करा पाऊँ जो जो चीज़ यहाँ पे है। और फिर यहाँ से इनको देखने को मिलेगा आप लोग को, ये उनका डाइनिंग टेबल है जो कि यहाँ पर फैमिली के साथ बैठ के खाना पीना खाते थे। तो ये देखिए काफ़ी बड़े में है, जितनी फैमिली रहती थी वो अपना आके यहाँ पर बैठ के खाना पीना खाते थे। फिर एक बरामदा है, देख सकते हैं काफ़ी उस समय का पंखा, सोचिए उस समय कितनी बिजली खींचता होगा, क्योंकि उसमें उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उससे कम बिजली में उतना अच्छा हो दिया जाए। उस समय का ये पंखा शुरुआत में है। और इधर जो पर्दे हैं पूरे, ये जो है लकड़ी के ही हैं पर्दे हैं, देखने को मिलेगा। तो ये है लाइब्रेरी उनकी, यहाँ पर सारा बुक है, एक म्यूजियम के तौर पर रखा गया जो कि काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। ये सब देखने को मिलेगा, आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। 30 रुपये प्रति टिकट है एक व्यक्ति का, जो कि बाहर बाहर आपको दिखाया जाएगा। इधर इंदिरा और फिरोज़ जी हैं, इनकी शादी हुई थी। और मैं चलता हूँ अंदर, और इधर भी हैं आनंद भवन का इतिहास है पूरा इसमें, जो भवन बना है उसका पूरा इतिहास इसमें रखा गया। देखिए यहाँ पर बैठे हुए सब कुछ है। और यहाँ से एक और यहाँ पे देखिए, जब उस समय हमारे ये जेल का था, यहाँ पे कैसे रहते थे, कैसे आज़ादी दिलाई उन्होंने, सब मिल के यहाँ पे पूरा है। और इधर है नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद का, जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल जेल है जो वहाँ पे अभी नैनी में बना हुआ है। कब बना हुआ था, कब इसका हुआ है, पूरा इसमें दिया गया है इसमें पूरा। और इधर भी है कमला नेहरू, स्वरूप रानी और मोतीलाल नेहरू। तो जो देखते होंगे अभी अस्पताल है, स्वरूप रानी के नाम से रखा गया है। और जो मेडिकल कॉलेज है कमला नेहरू है, मोतीलाल नेहरू के नाम से भी है।
और इधर देखिए उनकी फैमिली, और इधर भी इधर लाहौर कांग्रेस, लाहौर के समय का है। इधर ये इलाहाबाद संगम में नहाने का बहुत पहले से प्रचलन है, संगम नहाने का। यहाँ उनकी माता जी हैं, ऐसे ही पूरी हिस्ट्री लगाई गई है उनकी। यहाँ पे जो है उनकी सारी बुकें रखी गई, यहाँ पे अलाउ नहीं है फ़ोटो खींचने के लिए। मैं आगे और चलता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, देखते हैं कितने प्यारे उस समय में ऐसे ही पूरे बल्ब लगाए जाते थे और कितनी डिजाइनिंग। और यहाँ से यहाँ पे जो है ये तारामंडल है, यहाँ पे आप जाएंगे पूरा ब्रह्मांड एक होता है ना, जैसे कि सूर्य पृथ्वी जितने ग्रह हैं, जितने प्लूटो ग्रह हैं, सब आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं आज काफ़ी तादाद में भीड़ है, आज हमने ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ पे आज इतनी भीड़ होगी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हम यहाँ सब बहुत दूर दूर से, हम तो पास वाले को कम आते क्योंकि पास वाले जो होता है सब देखे हुए रहते हैं बाहर के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी आज की वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग को बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय।